मैंने क्वीन परी। मुत्रा मुंबई में रहता था। उसके बचपन का दोस्त पप्पू उसके पास नौकरी ढूंढने मुंबई शहर आया था। मुत्रा टैक्सी ड्राइवर था। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ भैया। दोनों मिलकर एक महीने तक टैक्सी ढूंढते रहे, पर टैक्सी चलाने के लिए नहीं मिली। घर से लाए पैसे भी खत्म हो गए थे। एक दिन मुत्रा के साथ घूमते घूमते एक बहुत बड़ी साड़ियों और सूट की दुकान के सामने पहुंच गया। वहां खड़े पुतलों को देखते ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया। क्या भाई, किसी के लिए सूट खरीदना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, ये पुतले कितने खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? ये पुतले नहीं है, इन्हें मैनी क्वीन कहते हैं। और इसको छूने पर कहीं कुछ टूट फूट गया तो सेठ पुलिस बुला लेगा। भाई वो देख, एक आदमी कैसे दूसरे पुतले को गोद में उठाकर ला रहा है। चल यहीं चलकर बात करेंगे, शायद सेठ के पास कोई काम हो। तू दिन भर इन्हीं पुतलों को देखते रहना। सही कहा तुमने, चलो। दोनों दुकान में गए तो सेठ की मोटी ऐनक और मोटी तोन देखकर ही एक कोने में खड़े हो गए। फिर बड़ी हिम्मत करके, सेठ जी मेरे इस दोस्त को किसी काम की जरूरत है, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? ये बीए पास है। सेठ ने पहले तो दोनों को ऊपर से नीचे तक अजीब सी नजरों से घूरा। कहाँ का रहने वाले हो? सेठ जी हम जिला जौनपुर के रहने वाले हैं। अरे वहाँ तो हमारा भी पुश्तैनी घर है। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो सेठ जी बताइए, कोई काम मिलेगा क्या? हाँ हाँ, आज ही हमारा एक लड़का छुट्टी पर चला गया है। चलो अच्छा है, तुम ही आ जाओ। नाम क्या है? नाम तो कबीर है, पर पप्पू ही बुलाते हैं सब मुझे। अरे अजीत, अजीत इधर आओ भाई। तभी अजीत भागा हुआ आ गया। अजीत सेठ, ये कबीर है, इनको बता दो क्या करना है, वो उस लड़के का काम इसे समझा दो। तो भाई पप्पू मैं चलता हूँ, दिल लगा कर काम करना, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है। पप्पू इस मैनी क्वीन को पकड़ना जरा। अरे ये तो बड़ी हल्की है। हाँ चलो, इसको साड़ी पहनानी है। जाओ जो साड़ी तुम्हें ठीक लगे वो ऊपर से उठा लाओ। पप्पू ने अपनी पसंद की एक साड़ी ले आया, दोनों ने उसे पहना दी। अजीत इसके हाथ और गले में भी कुछ पहना दो। अरे नहीं, सेठ जी से पूछना होगा। रुको मैं पूछ कर आता हूँ। सेठ जी इस पुतले के हाथ में थोड़ा चूड़ियाँ और गले में मोतियों का हार पहना दे तो कैसा रहेगा? अरे जैसे सजाना चाहते हो सजा लो। पप्पू काम करने में जुट गया। उसको उसी मैनी क्वीन का ही काम सौंपा गया जिसको देखकर वो इस दुकान में आया था। सुबह से शाम तक ग्राहकों को साड़ियाँ दिखाता, जरा सी फुर्सत होते ही भागकर उसी के पास चला जाता और उससे बातें करने लगता। देखो भाई, मैं तो तुम्हें सलोनी ही कहूँगा। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? तुम्हारे कारण ही आज मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। ना जाने क्यों तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा। तभी कोई ग्राहक आया तो वो भागकर उसको सूट दिखाने चला गया। जरा वैसी ही साड़ी दिखाना जो उस पुतले ने पहनी हुई है। पप्पू झट से वैसी ही साड़ी निकाल कर लाया। उस ग्राहक ने तुरंत काउंटर पर पैसे दिए और साड़ी लेकर चला गया। उस दिन जितने लोग आए सब ने वैसे ही साड़ी मांगी। शाम को जब पप्पू घर जाने लगा, सेठ जी उसको जाते हुए देखते रहे। बचपन में ही अपना शहर छोड़ आए थे और बड़ी मुश्किल से अपना धंधा शुरू करके यहाँ तक पहुँचे थे। यहीं की लड़की से शादी कर ली थी। अपनी तरफ के किसी व्यक्ति को देखकर आज जैसे लगा कि बरसों से तप्त हृदय को ठंडक पहुँच गई थी। दूसरे दिन पप्पू सुबह सुबह ही आ गया। आते ही उसने मैनीक्विन को सजाने संवारने का काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन लाल बनारसी साड़ी पहना दी, हाथों में चूड़ियां और माथे पर एक बिंदी भी लगा दी। सेठ जी आते ही उस मैनीक्विन के पास आकर खड़े हो गए। अरे ये साड़ी किसने पहनाई? सेठ जी मैंने नहीं पहनाई, मैंने तो उसको मना भी किया था। वो पप्पू की तरफ इशारा करते हुए बोले, कोई गलती हो गई क्या सेठ जी? तो अभी बदल देता हूँ।
अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई तुमसे। तुमने तो मुझे अपने घर की याद दिला दी। हमारे यहाँ शादियों में लड़कियाँ बनारसी साड़ी पहनकर ही ससुराल जाती थी। कहते कहते सेठ ने अपनी गीली पलकें पोंछ ली। सेठ जी, आप अपने घर कब से नहीं गए? लगभग 40 साल से। अब कोई नहीं है वहाँ। माँ बाप रहे नहीं, भाई ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। किसके लिए जाता? अच्छा, अब मैं जरा ग्राहकों को देखता हूँ। ग्राहक निपटा कर फिर वो मैनिक्विन के पास खड़ा हो गया। देखा सलोनी, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अब तक ऐसी 8 साड़ियाँ बिक गई हैं। मेरा बस चले तो तुम्हें अपने साथ ही रखूं। तभी अजीत आ गया। यार, आज तो कमाल ही हो गया। 8-8 बनारसी साड़ी बिक गई। तुम देखते जाओ अभी। उस दिन वो बहुत खुश था। रोज वो उसी मैनिक्विन से ढेर सारी दिल की बातें करता, उसको सजाता, जो भी कपड़ा उसको पहनाता वही पूरा का पूरा बिक जाता। सेठ जी उसके काम से बहुत खुश थे। धीरे धीरे पूरा साल बीत गया। एक दिन, सलोनी, सोचता हूँ एक बार घर चला जाऊँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा वहाँ दिल ही नहीं लगेगा। तुम मेरे साथ चलोगी क्या? मैनिक्विन की बड़ी बड़ी पलकें झपकी। तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? हैं? ये आवाज किसकी थी? सलोनी, तुम बोल भी सकती हो क्या? इतने दिनों से मैं जो तुमसे बातें कर रहा था तुम सुन रही थी? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? पप्पू की आंखों से अपनी असमर्थता पर आंसू गिरने लगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। मैं कैसे इसको यहाँ से ले जा सकता हूँ? उस दिन रात को जब वो दुकान बंद करके जाने लगा तो उसने देखा कि मैनिक्विन किसी के हाथ से लगकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। सेठ जी, देखिए, ये तो टूटी हुई पड़ी है। किसने तोड़ दिया इसको? पप्पू रोनी सूरत बनाकर बोला। अरे, ये कैसे टूट गई? इसके पैसे तो सबके टकवा से कटेंगे। उसने उसके टूटे हुए टुकड़ों को उठा लिया और जेब में रखकर समुद्र के किनारे आकर चुपचाप बैठ गया और रोने लगा। तभी एक आवाज आई, मुझे जल्दी बाहर निकालो। उसने जैसे ही उन टुकड़ों को समुद्र के किनारे रेत पर रखा, वो एक परी में बदल गई। ओहो कबीर, तुमने मुझे आज जादूगर के चंगुल से मुक्त कर दिया। तुम एक परी हो? हाँ कबीर, मैं परी ही थी। अब मैंने रेत को स्पर्श कर लिया है। अब मैं जादूगर की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो गई हूँ। क्या मतलब? एक बार मुझे एक जादूगर ने धोखे से पकड़ लिया। जब वो मुझे लेकर जा रहा था, तभी मैं उसकी नजर बचाकर मैनिक्विन में बदल गई, ताकि वो मुझे ढूंढ ना सके। वो समझ गया और उसने मुझे अपने जादू से उसी मैनिक्विन में कैद कर दिया। पर मुझे पता था कि जैसे ही मैं रेत को स्पर्श करूंगी, अपने असली रूप में आ जाऊंगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डरती थी कि कहीं उस जादूगर ने मुझ पर पहरा ना बैठा रखा हो। इसलिए जब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया, तब मैंने तुमसे बात की। पर सलोनी। कबीर, पर कुछ नहीं। मैं एक बार परीलोक जाऊंगी और अपनी सारी जादुई शक्तियाँ लेकर वापस आऊंगी। तब तक तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन सलोनी, अब मैं वापस अपने घर जाना नहीं चाहता हूँ। तुम घर जरूर जाओ, पर मेरी प्रतीक्षा करना। पप्पू उदास सा घर आ गया। सुबह वो जल्दी ही उठकर दुकान चला गया। परी ने उसे एक गुड़िया दी थी। गुड़िया वहाँ रखते ही वो मैनिक्विन में बदल गई। पप्पू ने सेठ जी से छुट्टी ले ली और अपने घर चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसका घर एक आलीशान हवेली में बदल गया था। बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी और बिल्कुल मैनिक्विन की शक्ल की लड़की बनारसी साड़ी में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सलोनी, तुम यहाँ कैसे आई? कबीर, तुम भूल रहे हो कि मैं एक परी हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ। पप्पू के माता पिता बहुत खुश थे। उनका बेटा एक परी जैसी बहू ले आया था, जिसने उन्हें सारी सुख सुविधाओं से भरा घर दिया था। दूसरे दिन ही पप्पू की शादी सलोनी से हो गई। देखो कबीर, मुझे कभी भी परीलोक जाने से रोकना मत। जिस दिन तुम मुझे रोकोगे, उस दिन के बाद से मैं नहीं रह पाऊंगी।
मुझे मंजूर है मेरी प्यारी परी रानी। चलो एक हफ्ते बाद मुझे मुंबई काम पर भी जाना है। जब तुम्हारी अपनी दुकान इसी शहर में है तो मुंबई जाने की क्या जरूरत। अरे भाई तुम तो हो ही परी, तुम्हारी जैसी इच्छा। दोनों ने खुशी खुशी अपना पूरा जीवन बिता दिया।